बट मार्च इज़ अराउंड द कॉर्नर और मार्च में आठ मार्च को खास तौर पर हम एक दो तरह की सोच का एक ऑलमोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एक टकराव देखते हैं पीपल हु थिंक फेमिनिजम इज़ अ बैड वर्ड एंड के पता नहीं क्या बात की जा रही है पाकिस्तान के ख़ानदानी निज़ाम को हमारी सोसाइटी को हमारे सोशल फैब्रिक को बड़ा ख़तरा है एंड यू नो वेरी एक्सट्रीम व्यूज़ वे डी यू स्टैंड ऑन दैट एंड हाउ डू यू रिएक्ट टू और पीपल है पाकिस्तान um, की आई थिंक प्रॉब्लम यही है कि उन्होंने औरतों को एजुकेट करके वर्क फोर्स में नहीं डाला है और हमने हमारी मसौजिने की भी प्रॉब्लम है हमारी डोमेस्टिक अब्यूज़ एंड वायलेंस की भी प्रॉब्लम है हम अगर औरतों को अभी एजुकेट करके आगे खड़ा करें और बढ़ाएं हमारी वर्क फोर्स में वी विल भी इकनॉमिकली मच बैटर और जी डी पी विल भी मच बैटर सो इफ़ एनी बड़ी सैज के Feminism abroad. What is feminism in Pakistan? Feminism is standing for equal rights. Feminism in Pakistan is standing for uh, standing against domestic abuse. Feminism in Pakistan is standing for um, you know underprivileged women, and uh, minorities. So that's what feminism means. It I I think the extremists हैं that jeans are jeans ख़राब चीज़ हैं और jeans पहनकर क्यों सोचा है और वो फेमिनिस्ट है तो फेमिनिस्ट खराब है क्यों खराब है फेमिनिस्ट अपनी राइट्स मांग रही है फेमिनिज्म जो होता है पाकिस्तान में वो तो अपनी राइट्स मांग रहे हैं कि उनके साथ सलूक सही हो कि उनको स्कूल जाने का आ, मौका मिले कि उनको यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिले तो उनको वोटिंग राइट्स मिले उनके घर में उनको मासी बना ना रखा जाए